हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं हूँ मेचुका में। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा सीरीज़ चल रहा है, ट्रैवल सीरीज़ अरुणाचल में। मैं शो करते हुए ट्रैवल सीरीज़ कर रहा हूँ। तो कल रात मेरा शो था, तो अब कितना मेरा गाना देखोगे ना, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट नहीं डाला। सीधा मैं नेक्स्ट डे से शुरू कर रहा हूँ। और आज का जो मौसम है काफ़ी सुहाना है, धूप नहीं है। और मैं हूँ अभी GTL होम स्टे में, जिनका ऑनर का नाम है गिबू सोना। बहुत ही फेमस ऑनर है और जो यहाँ का रूम है बहुत ही अच्छा है। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा GTL होम स्टे का पूरा कंपाउंड। यहाँ पे बॉन फायरिंग करके हमने कल रात बिताया था, बहुत ही मज़ेदार था। और अंदर में भी काफ़ी अच्छे अच्छे रूम्स हैं। और इस वाले रूम में मैं बैठा था, तो ये रूम काफ़ी अच्छा है। एक तो साफ़ है, हाइजीनिक है, प्लस आपको टेंट वाला फीलिंग भी देगा। प्लस ये जो है वुड है, वुड की वजह से आपको एकदम ट्रेडिशनल वाला टच भी देता है। और जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है। गीज़र वगैरह सब बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेगा आपको, वाटर हीटर मिलेगा। और ये जितने भी बाइक राइडर्स आए थे उन सभी ने अपना छाप छोड़ा यहाँ पे, अपना अपना चिपका के गए हैं। अरे हम भी कुछ मेरे लोगों लेके आए थे, लेंसिंग के लिए कुछ चिपकान से दिखता ना, हो जाए नेक्स्ट टाइम। और ये सबसे पुराना होम स्टे क्या आपका? हाँ, ये मेचुका का ना? हाँ, यस, ओल्डेस्ट वन। ये मेचुका का सबसे पुराना होम स्टे भी है गाइस। वाओ, आई लव अरुणाचल। ओके, तो जिनको वेस्टर्न का आदत नहीं है वो लोग जो लोग वेस्टर्न वाले भी इसको यूज़ कर पाएंगे, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने वाले, और इंडियन टॉयलेट यूज़ करने वाले भी इसको कर पाएंगे आराम से। और जो ये लास्ट ऊपर वाला रूम आप लोगों को दिखा देता हूँ, और कैसे आके जो वो है रूम का जो रेंट है और प्राइस है वो भी काफ़ी रीजनेबल है। और कैसे जो स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग जिनके पास बजट कम होता है ना, उनके लिए ये रूम है। तो ये छोटा सा रूम है बट स्टिल काफ़ी गर्म देता है आपको ये रूम। तो यहाँ का जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है, तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप इस वाले रूम में भी ठहर सकते हो। और यहाँ से व्यू देखिए, टीम की तरफ से ये मेचुका का टी शर्ट। तो गैस अभी ये है इनके कमेटी की तरफ से, जितने भी मेंबर्स हैं उनके तरफ से मुझे ये टोकन ऑफ लव मिला है। मतलब बहुत ही प्यार मिल रहा है, कल से मिल रहा है, मतलब जब से मैं आया हूँ तब से बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट एंड प्यार मिल रहा है। इस ब्रेकफास्ट में क्या क्या है? यह लोकल थुप्पा, लोकल थुप्पा, ये कॉर्न सूप, और रिंगमो, आलू, फ्राइड राइस। तो गैस मुझे जो इस होटल के होम स्टे के जो ऑनर है गेबू सोना भैया, इनके बारे में मुझे कुछ बताना था। सबसे पहले तो अगर आपको होम स्टे में रहना है तो मैंने इसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस जो ये भैया है ना, इनके वजह से ही मेचुका मतलब टूरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है। ये नॉट ओनली अपने होम स्टे को प्रमोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इनके होम स्टे में गेस्ट आते हैं तो अगर इनका रूम फुल रह जाता तो जो दूसरा वाला जो होम स्टे वगैरह होता है उनको भी ये रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहला होम स्टे भी मेचुका में इन्होंने ही बनाया था, और बाकी को भी इन्होंने ही रिकमेंड किया बहुत सारे लोगों की बनाओ करके। तो इस वजह से आज मेचुका जिस पोजीशन में भी है, इनमें इनका मतलब 80% हाथ तो है इनका। को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा कि आपने हमारे अरुणाचल को ऐसे प्रमोट किया, क्योंकि मैं भी खुद भी अरुणाचल ही हूँ ना। इसलिए जितने भी लोग बैठे हुए प्लीज़ ताली बजाते। और मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा, जितने भी ये हमारा टीम ने आपको इन्वाइट किया वो इन्वाइट को आप स्वीकार किया, और इतना दूर दराज इतना लॉन्ग जर्नी करके आप इतना शो को अटेंड किया, इसके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहूँगा। और आपके वजह से ही अपना अरुणाचल को बाहर तक, अपना एब्रॉड कंट्री तक एकदम मैसेज जाता है, इसके लिए बहुत ही हम लोग आभारी हैं। थैंक यू सो मच। तो भैया भैया के अंदर एक टैलेंट भी है, मतलब ये मतलब बिना मुंह खोले बिना मुंह पाउट किए वो सिटी बजा सकते हैं। थैंक यू। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो अभी भैया मुझे घुमाने के लिए घुमाने वाले हैं अपने स्कॉर्पियो से। आप लोग हमें दूसरा ट्रैक का जमीन ले सकता है यहाँ में? टाउन में तो ले लेता है ना, टाउन में गाँव में का ले तो। ये कौन सा विलेज है? लालुंग विलेज। लालुंग विलेज प्राइमरी स्कूल। हाँ वाह, इतना क्यूट स्कूल आप देख सकते हो वहाँ पे। प्लेस ऑफ गॉड। ओके, हाँ बोलने से गॉड को बोलते हैं। लुंग मीन्स प्लेस ना जी, यानी कि प्लेस ऑफ गॉड। प्लेस ऑफ गॉड क्यों बोलते हैं? तो ये इलाका से जाना जाता है। okay. क्योंकि ये एक नए सेंदन तक नए बोलने से जो पिलग्रिमेज को बोलते हैं, तीर्थ यात्रा करने का जगह, साल में एक बार यहाँ तीर्थ यात्रा मनाता है। ये होली प्लेस है जो दिख रहा है। होली प्लेस है क्योंकि ये जो तिब्बत से एक बहुत पावरफुल
एक मॉन्क आया था लामा, तो उसका नाम है लम लोरी जमसो। तो ये पत्थर देखिए ना, पूरा बैठ बैठ के उसका छाप बन गया ना। ओ, अब इधर में उठ के देखो ना, पूरा आदमी का सीट है ये। हाँ, देखो ना। हाँ, यहाँ में बैठ के ये जो पैर रखने वाला, okay, पैर को ऐसे फोल्ड करके रखता है ना, ओ, जो पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। देखो ना ऊपर में, देखो ना इतना साल ये पत्थर में मेडिटेशन किया कि ना। पहले जब अभी ये जगह एक नॉमेंस लेंस था जी, तो उसके बाद जो वो जो मॉन्क्स ने आके तो यहाँ में मेडिटेशन करके, ये जो लालुंग जो एक समय में पूरा जंगल था, पूरा जंगल को ये मेडिटेशन करके वॉश आउट करके वो लैंडस्लाइड करा दिया, तब से उसने नाम रखा था लालुंग, मतलब प्लेस ऑफ गॉड ना। तो उसका जो वहाँ से जो तिब्बत से आया था एक्चुअली ये जो मॉन्क्स जो, तो ये उसका छेरी था जो स्टिक ना, जो स्टिक को गाड़ दिया, ये एक चंदन का पेड़ बन गया, जो सैंडलवुड ना, सैंडलवुड का पेड़। आप देखिए ये लोकेशन में एक भी पेड़ नहीं मिलेगा, जो कि एक ही पेड़ है उसका। और ऐसा आप देख सकते हैं, मुझे टोपी इतना पसंद आया कि मैंने थोड़ी देर पहनने के लिए भैया से मांग लिया, और अभी मैं भैया के जो विलेज वाला जो घर है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ये मेरा ड्रीम हाउस है गाइस, एक मुझे भी टट्टे का घर बनाना है ऐसा ठंड जगह पे। गाइस वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा बर्फ़ देख सकते हो, आसमान खुल रहा है तो बर्फ़ दिख रहा है हल्का हल्का सा। और ये है मिलेट का बगान, और इसमें झूम कल्टिवेशन होता है यूजुअली। GTL होम स्टे देखा था जो गेबू सोना भैया का देखा था, वो भी उनका ही है, ये भी उनका ही है। अगर आपको गाँव वाला एक्सपीरियंस लेना है तो आप यहाँ बुक कर सकते हो, अगर आपको टाउन वाला एक्सपीरियंस करना है तो आप GTL होम स्टे को बुक कर सकते हो। ये है बुकारी और ये इनका घर, अंदर से ऐसा काफ़ी खूबसूरत। हाँ लेजिंग जी, हम लोग लालुंग में पहुँच गया, अभी लंच के लिए 2 बजे पहुँच जाएंगे, ओवर। ओके, तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एस, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो इसलिए यहाँ पे वॉकी टॉकी का यूज़ किया जाता है। इसका रेंज कितना है? रेंज 25-30 किलोमीटर तक भी होता है। इतना ज़्यादा, मतलब ये वाला का कितना है? ये वाला का उतना है, ये वाला 30 किलोमीटर तक कवर होता है। बाप रे, लेकिन बीच बीच में मतलब पहाड़ रुका देते हैं थोड़ा, ये कोना कोनी में रेंज कम होता है, फिर ऐसे होने से बहुत रेंज आगे तक जाता है। ये एक्चुअली BSNL नेटवर्क चलता है बस कॉलिंग के लिए, और वो भी गलती से जैसे तैसे, इसीलिए वॉकी टॉकी यहाँ पे यूज किया जाता है। ज़्यादा मत चलो, आँख धुआं ज़्यादा हो रहा है, धुआं। गाइस वो उधर है गोम्पा जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया, और ये व्यू भी मैंने एक व्लॉग में दिखाया था आप लोगों को ऑलरेडी, यहाँ से पूरा ऑलमोस्ट पूरा मेचुका का जितने भी इट्स ओके मेचुका का जितना भी गांव है उसका पूरा व्यू दिखता है। वो विलेज है एक ही विलेज है ये, और फिर आगे एक विलेज है वहाँ पे नदी के पार में उस साइड में, फिर आगे में विलेज का ये डाउन साइड जो विलेज है ना। हाँ जी, ये विलेज का नाम थर्गेलिंग, थर्गेलिंग मींस ये हाफ मून, हाफ मून ना, ओ हाँ हाँ हाफ मून जैसा लग रहा है पानी की वजह से ना। क्या व्यू है यार, बेस्ट व्यू। कैसे जगह नकली लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड है, मतलब ऐसा फेक बैकग्राउंड है, लेकिन ये रियल है, आप रियलिटी देख रहे हो। और ये तो टोटली नया बना है, देखो 10 दिन पहले कंप्लीट हुआ है। ये ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है मेचुका का, ये अराउंड कौन से ईयर में बना था आइडिया, कितने साल? ऐसे नहीं, 400 ईयर्स ओल्ड मोनेस्ट्री ऐसा बोलता है। ओके बापरे, कैसा दिखता है सीट्स? ओके ये काला काला वाला ना। ओके आप जाके अपने घर में भी लगाइए। हाँ हाँ, हम अभी पूरा पार में चुका ला, ट्रैकिंग पॉइंट में भी पूरा फेंकेंगे गया इस बार। अच्छा आइडिया है, पूरा टूरिस्ट लुक को मजा मजा लेने के लिए। तो गैस अभी हम एक होटल में रुके हुए हैं, और यहाँ से मेचुका का व्यू का, मेचुका का टाउन का व्यू ऐसा दिखता है, ऊपर में लिखा है मेचुका। तो अभी इस वाले होटल में हम जाएंगे, इस होटल का बोटिक होटल में है, और यहाँ से पूरा मेचुका का व्यू दिखता है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। लंच करने के लिए आए हम यहाँ पे। हेलो, दूसरा पोस्ट दो, और एक पोस्ट दो। उंगली लोग इधर उधर हो रहा है। और ये है स्वीट रूम ना, स्वीट रूम है ये। तो ये सियोमी का सबसे बड़ा होटल है, तो यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ, अभी सलमान थांग में जाऊँगा दार्जिलिंग में, जहाँ पे कल हमारा प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ का जो व्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आज के वीडियो में पूरा व्यूज़ ही व्यूज़ आप लोगों को मिलने वाले हैं खूबसूरत। बाय बाय, बाय इधर इधर देख, इधर बाय, चलो बाय बाय। कैसा? तो गाइस ये वो वेन्यू जहाँ पे कल हमने
शूटिंग की थी और शूटिंग नहीं की थी, परफॉर्मेंस किया था मैंने। हेलो हाय, इन लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया है ये सभी टीम। एक बार सभी हाय कर दीजिए। हाय हेलो, हाय हेलो। ये इसका नाम क्या है, वेन्यू का नाम क्या है? ये सलमान था ही बोलता है पहले। सलमान था ना? सलमान था। मतलब अभी एक्चुअली ये दार्जिलिंग का अर्थर में ये सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है क्या, इसलिए सलमान खान ऐसे बोल के रहे? ये सलमान खान यहाँ आके लंच किया था इसलिए सलमान था। लोगों ने ऐसे नाम रखे सलमान खान ने यहाँ पे लंच किया इसलिए सलमान था ना। घूमने के बाद और एंजॉय करने के बाद अभी हम वापस पहुंच गए हैं GTL होमस्टे में। तो आपको कैसा लगा मेरे साथ घूम के? बहुत ही बढ़िया, इतना इंस्पायर हो रहा है सभी हमारा लड़का या लड़कियाँ आपका साथ अभी चिपक के आपसे छोड़ना ही नहीं चाह रहे हमको। वो बहुत बड़ा बात, अटैचमेंट हो गया ना सब, पूरा इमोशनल। आप सुबह कल यहाँ से चला जाने का मतलब खाली खाली महसूस हो गया, दुख दुख हो जाएगा। हमको भी आप लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। तो वही नेक्स्ट टाइम हम जब आएगा तो आप लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके जाएगा। इस बार तो थोड़ा इमरजेंसी हो गया तो इसलिए। अब लोग मैचों का भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ का लोग भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है। हम जो पहले भी वीडियो में बोल रहा था कि नंबर वन हॉस्पिटैलिटी अगर दुनिया में कहीं है तो मैचुका में है करके ना। बाकी जगह में भी है लेकिन मैचुका में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कल मेरा शो में पूरा बॉडीगार्ड इन्होंने ही बॉडीगार्ड किया था, इन्होंने ही मुझे वो किया था और एक खाया भी था। पीके को इसका बॉक्सिंग भी सैक्रिफाइस कर लिया। हाँ वही मेरे लिए बॉक्सिंग खाया ना एक ना, बॉक्सिंग खाया। थैंक यू ब्रो। बेचारा कहीं अभी डिनर करने के लिए जाऊंगा तो डिनर करने के बाद कल अगर मैं सुबह जल्दी उठा तो मैं आप लोग को मैं चुका वाली जगह में ले जाऊंगा जो पहाड़ मैंने दिखाया था ना वहाँ पे ले जाऊंगा। और मैं जिसके घर में डिनर करने जा रहा हूँ वो मतलब वही है जब एक बार हम याद है आपको हमने डोनेशन रेस किया था एक नक्संग फैमिली का, तो अनफॉर्चुनेटली वो गुजर गए बट स्टिल उनकी जो फैमिली है एक साल के बाद भी उन्होंने मुझे याद रखा और उन्होंने मुझे डिनर के लिए बुलाया। नहीं तो आज ही मैं पासीघाट चला जाता, उनके लिए ही मैं यहाँ पे रुका हूँ। और उस वक्त डोनेशन के टाइम में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद किया था तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे हम लेंसिंग वीकली फैमिली ऐसे ही लोगों की मदद करते रहेंगे जब उनको ज़रूरत होगी। तो आप लोग ऐसे साथ देना मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हमारे वजह से अगर किसी को थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है हमारी फैमिली के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और गाइस ये छुरपी बहुत ही टेस्टी होता है, प्लस ये है चाय, लोकल चाय बहुत ही टेस्टी। इनके साथ बैठ के मज़ा आ रहा है गाइस। तो ब्रदर थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। यही है नक्संग फैमिली के मेम्बर्स, सबसे बड़ा बेटा है अपना और उनके छोटे बेटे। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। आमा का मैं आमा को भी आमा थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तशी दिले नक्संग फैमिली का जो अनएक्सपेक्टेड जो कैंसर का बीमार से हमारा ये घर का मालिक जो गुजर गया उनको बहुत सारा विडो थ्रू जो हेल्पफुल मिला और कुछ कंट्रीब्यूशन भी रहा। तो इसका तरफ से आज मैं चुका मैं कुछ शो था जो लेंजिंग का, तो काल रात ही ख़त्म हुआ। तो शो होने का बावजूद और आज सेकेंड नाइट में जो नक्संग फैमिली जो है यहाँ पे इन्विटेशन किया गया है लेंजिंग नोमिन का डिनर नाइट पे, तो वेलकम यू लेंजिंग ब्रो। थैंक यू सो मच। मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट है ये। मतलब हम तो मतलब किसी कभी किसी को मदद करने से भी एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि इंसान है, इंसान ऐसे ही बोला था पहले भी। जैसे कि ये भी कभी दिन किसी को ये बड़ा होके ये भी कभी दिन किसी को मतलब मदद करेगा ये किसी को भले उसे वापस मतलब मिलो ना मिलो ना आप भी करेगा। तो हम तो वैसे ही सोच किया था तो फिर भी मतलब आप लोगों ने याद रखा वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। तो हम तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं, हम तो कल गाना गा के आज सुबह निकल गए फिर ये भाई जान को बोला कि बैठ जाओ बैठ जाओ ना ऐसा करते हैं। इसलिए ये नक्संग फैमिली जितना भी है ना उसको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ब्लेसिंग है। थैंक यू। आई हैव एक सिंगल फोटो ऑफ हर। सुमन का सिंगल फोटो, सुमन का सिंगल फोटो। सुमन का नाम मैंने दिया एक्चुअली, इनका जो निकनेम रखा था वो था सीता तो मुझे उतना पसंद नहीं आया तो इसलिए मैंने रखा सुमन। तो नक्संग फैमिली सभी को बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।
ठीक है, तो आप लोगों को थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट किया ना इस प्रोग्राम में। आप लोगों ने मुझे याद किया अपने फर्स्ट एडिशन में, जो आप लोगों ने खुद का MRL टीम की तरफ से इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है उसके फर्स्ट एडिशन में आपने मुझे याद किया। फ्यूचर में भी याद कीजिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र से तो आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट से तो ऑर्गेनाइज़र है, हम दोनों मिलकर हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहना आर्टिस्ट लोग को, ऐसे ही मेहमानों को हॉस्पिटैलिटी देते रहना। तो आप लोगों को थैंक यू सो मच। मेचुका का जो लाई पत्ता होता है, पत्तू कहते हैं आदि में, और आलू होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप लोग यहाँ के अगर यहाँ पे आते हो तो लोकल लोग से लेके जाना, जैसे कि मैं लेके जा रहा हूँ कर्मा ब्रो, और ये ब्रो के थ्रू हमने वो किया है, आपने पत्तू दिया है ना हमें, तो पत्तू के लिए थैंक यू सो मच। एंड आपने आलू दिया है तो आलू के लिए थैंक यू सो मच, गाड़ी में ऑलरेडी रख दिया है, थैंक यू। बहुत टेस्टी होता है गाइस, आई एम नॉट जोकिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये सब प्यार तो देख ही रहे हो, और जो कल हैट मिला था वो सब भी सब खेलता था, ये भी सीजन होते थे। इसका नाम ही लड्डू है, लड्डू इसका लड्डू एक्सपर्ट, बेब्लेट एक्सपर्ट, लोकल बेब्लेट। वाह लवली, वो मेचुका का मेन गेट, और यहाँ से आगे से हमें थोड़ा सा घुसना है, और वहाँ से लेके चढ़ते हुए हमें जाना है, वहाँ से चढ़ते 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 वहाँ जाना है उस वाले एरिया में, मेचुका वाले एरिया में। तो मंजिल काफी दूर, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस वहाँ पे बर्फीला पहाड़ देख सकते हो, और वहाँ पे सीढ़ी देख सकते हो, या सीढ़ी से होते हुए हमने कार को वहाँ पार किया। अभी हमें यहाँ से घूमते हुए उधर से होके जाना है, तो चलो स्पीड से, इतना स्लो है आप, थोड़ा जल्दी चलो। ये मतलब ये बस जोश है, बाद में फ्यूज होने वाला है, ये बस एक्टिंग है वीडियो के लिए। लेकिन हमको पता नहीं, मेरा ये पार्ट जो बहुत डरा दे रहा था लिंगजिंग का साथ कल ना, ये हमको डांस कॉम्पिटिशन करने दिया था, हम लोग डांस किया था ना ये। और ये साइड तो पूछो ही मत ना, ऐसे ऐसे करके पूरा ये दे रहा हमको। ऐसा भी हालत खराब होते हुए शुरू में बहुत जोश में निकला था, अरे बस में तो ऐसा गाड़ी भी दिख रहा है, अभी तक भी चढ़ाई नहीं हुआ अभी तक। और आगे का व्यू देखो, लेंजिंग तो आगे तो बहुत बड़ा बड़ा बोल रहा था, वही तो अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो 10% भी नहीं चढ़ा, आधा भी नहीं पहुंचा है, वही तो। यस बहुत मज़ा आ रहा है, और यहाँ के लोगों की तारीफ़ करते हुए मैं बोलूँगा कि बहुत सिंपल होते हैं। हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो आप सभी को पता ही है, लेकिन सिंपल भी होते हैं। अगर कोई कोई लोग आपको दिखेंगे जो बहुत पैसे वाले होंगे, लेकिन इतना सिंपल से रहता है ना कि आपको लगेगा ही नहीं, जैसे गेबू भैया। किसी को भी स्टेटस के मामले में हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। कितना खूबसूरत व्यू है, तो हमको भी एकदम सपना जैसे लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक माना जाना एक अरुणाचली छोरो, एक नॉर्थ ईस्ट में फेमस वाला, हमारा लिंगजिंग के साथ घूमने के लिए मिल रहा है, टाइम स्पेंड करने के लिए मिल रहा है, खाने पीने एक साथ मिल रहा है, और एक अच्छा दोस्ती भी हो गया अभी। अभी दोस्ती हो गया तो एक दूसरे का फ्यूचर में काम आना चाहिए, वही दोस्ती इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे को सुख दुख में साथ देना, नॉट ओनली सुख में बस दुख में भी। तो मैं पासीघाट का, आप में चुका का, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, मैं चुका और पासीघाट से अभी हम, और गाइस व्यू एक बार देख लो फिर से। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग नींबू पानी ब्रेक ले रहे हैं, ये रेडबुल ब्रेक लेंगे। लास्ट टाइम मैं आया था ना मैं चुका, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब इस पहाड़ में चढ़ा था, और आधा चढ़ा था वापस चला गया था। तो इस बार मैं पूरा करूँगा ट्रैकिंग, और वीडियो भी नहीं बनाया था लास्ट टाइम, तो मैं पहला मेरा मैं चुका मैं ट्रैकिंग वीडियो है ये। मेरा ऑडियंस लोग बहुत जेलस हो रहा होगा, इतना सुंदर जगह में लेंसिंग है बोल के, इतना दो हैंडसम लड़का का साथ वो भी। चलिए तो नहीं है पर आने वाला काल को हम जरूर हैंडसम बन के आएगा। तो कचरा को नहीं फेंकते हुए हम लोग प्लास्टिक में रखते हुए, ब्रदर प्लास्टिक में रख दीजिए, प्लास्टिक में रखते हुए अभी हम लोग जाएंगे, क्योंकि जगह को गंदा नहीं करना, टूरिस्ट लोग कर देता ना कोई कोई लोग, क्योंकि अपना जगह नहीं सोच के ना। तो गाइस थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं ना, एम्बुलेंस का भी उसका बैटरी का भी जरूरत नहीं, ऐसे ही इधर आराम से हो जाएगा, सो जाएगा आदमी, पिलो लाना है बस।
मुझे काम है, मुझे मेरा जो म्यूज़िक वीडियो आने वाला है अभी, एक जो दिसंबर 31 को रिलीज़ होगा और एक जनवरी 3 को रिलीज़ होगा कंटिन्यूसली एक ही हफ्ते के अंदर, तो उसका मुझे शूटिंग करने के लिए जाना है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा पासीघाट। आज ही मैं निकल रहा हूँ, आज तो आलो में कॉल करूँगा, नहीं तो अदरवाइज मैं मेचो को और अच्छे से एक्सप्लोर करता। अभी हम पहुँचने वाले MENCH दिखा, यानी कि यू और के और ए सामने में ही होगा, तो हम ए में जाएंगे। और उस तरफ मेचो का टाउन है और इस तरफ दार्जिलिंग है जहाँ पे मैंने कल परफॉर्म किया था, यानी कि आप देख सकते हो कि हम घूमते हुए, इस पहाड़ से घूमते हुए यहाँ तक हम परफॉर्म करने के लिए आए थे बाई रोड। तो ये पहाड़ आप जैसे चढ़ोगे तो पूरा व्यू दिखता है आपको। तो गाइस अभी ट्रैकिंग करते करते हम ऑलमोस्ट टॉप में पहुँच गए, और जैसे जैसे हम टॉप में पहुँचते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि चढ़ाई कम हो रहा है, चढ़ाई और ज़्यादा हो रहा है, बट स्टिल आप जब शुरुआत में चढ़ते हो तो अचानक से आपका बॉडी थकता है, लेकिन आफ्टर डैट आप धीरे धीरे चलते हो तो आपका बॉडी इम्यून हो जाता है, तो आप आराम से चलोगे। कोई भी अगर मैं चढ़ सकता हूँ तो आप लोग भी चढ़ जाओगे आराम से, बस वही कि अगर आप लोग को 2 घंटे लगेंगे तो मुझे 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगता है क्योंकि मेरे अंदर रिश्ता मेरा बहुत है। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, गाइस मेरे पीछे आप लोग व्यू देख सकते हो, तो हम लोग पहुँच गए लोकेशन में। तो ये रहा मेचू का लिखा वाला, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस काफ़ी मशक्कत के बाद, 1 घंटे चढ़ने के बाद हम पहुँच गए हैं फाइनली, ये देखो एच में, और यू भी है नीचे, के ए भी लिखा होगा, लास्ट का एच और ए है मेचू का, तो हम बीच में बैठेंगे वहाँ। ये ए है और ये पहले वाला सीमेंट का बना था तो मिट रहा था, तो इसलिए यहाँ पे, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर हाँ अपने बेस में जाते हुए, अरे बेस को पार कर दिया तो कहाँ जा रहा है वो लोग। और ये है मेचू का टाउन, तो ये पुराना वाला है, ये पहले सीमेंट से लिखा गया था आप देख सकते हो, तो सीमेंट से लिखे जाने की वजह से बारिश कभी होता है और कभी जंगल बढ़ जाता है, तो उसके वजह से दिखाई नहीं देता था। तो अभी इन लोगों ने किन्होंने लगाया ये, ओ आप पूरा मेचुका का एक आप जो पूरा ले जाएगा लग रहा है। तो ये है, ये किसने बनाया इसको, MECH टीम ने बनाया। इस व्यू को अभी हम एंजॉय करेंगे, बैठ के यहाँ पे नींबू पानी पियेंगे। Cheers, cheers, नींबू पानी, मज़ा आ गया चढ़ के यहाँ पे। तो आपकी बार मैं चुकाऊँगा, तो ये ब्रो का भी है होम स्टे, तो मैं वहाँ बैठूँगा ना, उसके बाद बहुत मज़े करेंगे और उसमें अच्छे से ट्रैकिंग का प्लान करेंगे, और हो सकेगा तो उधर जाएंगे वो पहाड़ों में। वो पार्क के लिए हम लोग को अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग 2 दिन और उसके लिए हम लोग को अलग से गाइड ना हायर करना पड़ेगा, लेकिन ले जाने वाला तो मिल जाएगा ना। हाँ ज़रूर जाएंगे उस पहाड़ में भी। अभी मेरा ये टारगेट पूरा हो गया, अभी नेक्स्ट टारगेट है मेरा उन पहाड़ों में जो बादलों के पीछे छुपा हुआ है ना, वहाँ पे जाना है एकदम। वहाँ तो ठंड से बहुत सामान लेके जाना पड़ेगा, नहीं वहाँ में गर्म का टाइम है, गर्म का दिन में जाएगा ना, गर्म का दिन में हाँ ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग वहाँ में साथ में टेंट भी कैंप एक रात वहाँ में। तो अब इससे आप समझ सकते हो कि आफ्टर 4-5 मंथ्स कितना एडवेंचरस व्लॉग्स आप लोगों को देखने मिलेगा मेरे चैनल में, तो बी रेडी फॉर इट। फिलहाल और उससे भी ज़्यादा एडवेंचर व्लॉग आप लोगों को देखने मिलने वाला है जनवरी के महीना से, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा इस साल का ये सेकेंड लास्ट व्लॉग है, उसके बाद लास्ट व्लॉग आएगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग को ये पे ख़त्म करते हैं। आप कुछ बोलने वाले थे और लेंजिंग जो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं, जैसे सलमान खान कुछ कमिटमेंट करते तो उसको करके दिखाते हैं, उसी तरह हमारा लेंजिंग भी जो बोलता है डायरेक्ट उसको करके दिखाएगा। तो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो इसके बाद आज का ब्लॉग खत्म होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।